संजना एक बहुत ही नरम दिल की लड़की थी जो कि हर किसी की मदद किया करती। संजना की सास उषा काफी देर से संजना को आवाज लगा रही थी। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? आज खाना बनेगा या नहीं? उषा के कई बार आवाज लगाने के बाद भी संजना का कोई जवाब नहीं आता। उषा जब संजना के कमरे में जाती है तो उषा को वहाँ भी संजना नहीं दिखती। बहू घर में भी नहीं है, अपने कमरे में भी नहीं है, आखिर गई तो गई कहाँ बहू? सांप, अरे कोई है यहाँ? क्या सांप, सांप? उषा चिल्लाते हुए अपनी बहू के कमरे के बाहर से कुंडी लगाकर वहाँ से भाग जाती है। उषा काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो अपने बेटे हेमंत को भी ऑफिस से घर जल्दी बुला लेती है। क्या हुआ माँ, आपने इतनी जल्दी मुझे ऑफिस से घर क्यों बुलाया है? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बेटा, बहू के कमरे में सांप है, मैंने बाहर से कुंडी लगा दी है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कहा, सांप? माँ, संजना तो ठीक है ना, कहाँ है वो? बेटा, संजना बहू तो मुझे कहीं भी नहीं मिली, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सांप ने बहू को काट तो नहीं लिया ना, क्योंकि मैं कब से बहू को आवाज लगा रही हूँ, बहू कोई जवाब ही नहीं दे रही है। उषा और हेमंत दोनों बातें कर रहे थे तभी संजना के कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आ रही होती हैं। माँ जी, हेमंत जी, कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है बाहर? दरवाजा खोलो, मैं अंदर कमरे में हूँ, दरवाजा खोलो। माँ जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? संजना की आवाज़ सुनकर हेमंत और उषा दोनों हैरान हो जाते हैं। उषा दरवाजा खोलती है। बहू तू यहाँ? अरे तेरे कमरे में तो सांप था, बहू तुझे काटा तो नहीं? तू ठीक तो है ना? नहीं तो माँ जी, यहाँ कोई सांप नहीं है, और ये दरवाजा किसने बंद किया था? बहू तू झूठ क्यों बोल रही है? मैं तुझे कब से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, तेरे कमरे में भी गई थी, लेकिन तू मुझे वहाँ नहीं मिली, और अब तू कमरे से कहाँ निकली? सांप कहाँ गया? माँ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं तो यही अपने कमरे में सो रही थी, और सांप कैसे आएगा मेरे कमरे में? माँ जी, आप भी ना सांप वाली फिल्म देखी होगी, और हर जगह आपको सांप ही दिख रहा है। हाँ माँ, आपको वहम हुआ होगा, वरना संजना को तो पता चल जाता ना कि उसके कमरे में सांप है। और ये भी तो देखो कि आपके सामने आई है संजना कमरे से बाहर। ये बहू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, बहू कमरे में नहीं थी, और सांप भी आया था कमरे में, लेकिन सांप का तो पता नहीं कहाँ चला गया, और बहू भी निकल आई कमरे में से। उषा को अपनी बहू पर थोड़ा शक हो गया था कि वो अचानक से कमरे से कैसे निकल कर आई, लेकिन संजना ने हेमंत के आगे अपनी सास की बात को झूठा बना दिया। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। एक दिन उषा बाहर से घर आती है कि तभी उसकी नजर अपनी बहू पर पड़ती है, जो कि एक नागिन के रूप में बदल गई थी। अपनी बहू को नागिन बनते देखकर वो कहती है, मेरा शक सही था, बहू ने मुझे झूठ बोला, लेकिन मैंने अपने बेटे की शादी एक नागिन से करवा दी, ये तो एक एक करके मुझे और मेरे बेटे को मार देगी, मुझे इसका सच बाहर लाना ही होगा। उषा को अपनी बहू का नागिन बनने का राज पता चल गया था। उषा अभी अपनी बहू की सारी सच्चाई बाहर नहीं लाती। उषा तो अपनी बहू से अब काफी डर गई थी, इसीलिए वो अब अपनी बहू से डर कर रहती। एक दिन उषा अपने बेटे हेमंत के पास आती है। हेमंत बेटा, उस दिन मैं तुझे सच बोल रही थी कि बहू के कमरे में सांप था, लेकिन वो पूरा सच नहीं था। माँ, आप क्या बातें कर रही हो, आप फिर से उस दिन की बात लेकर बैठ गई हो। वो बात भी सच थी और मैं भी सच बोल रही थी, तुझे पता है बहू नहीं बल्कि एक नागिन है। माँ, आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं यही बोल रही हूँ, कल मैंने संजना को नागिन बनते हुए देखा, वो एक इच्छाधारी नागिन है। बस माँ बस, अब बिना बात के संजना पे इल्जाम मत लगाइए प्लीज। तुझे लग रहा है मैं बहू के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? तो ठीक है, अब देख मैं कैसे बहू का सच सबके सामने लाती हूँ, तू चल मेरे साथ। उषा इतना बोलकर हेमंत को अपने साथ संजना के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ संजना सो रही थी। उषा संजना के ऊपर बेल पत्र के पत्ते डाल देती है। माँ, ये क्या कर रही हो आप, बेल के पत्ते क्यों डाल रही हो उस पे? अरे तू रुक, देख थोड़ी देर में कैसे बहू नागिन बनेगी। उषा और हेमंत दोनों वहीं खड़े थे। कुछ देर तक संजना नागिन नहीं बनती, लेकिन कुछ देर बाद संजना नागिन रूप में बदल जाती है। संजना को नागिन रूप में देखकर हेमंत उषा दोनों ही काफी डर जाते हैं। संजना, तुम एक नागिन हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो तुम हमें मत मारना। बहू माफ कर दे अगर हमसे कुछ भी हुआ है, लेकिन तू हमें डस मत लियो। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? नागिन होने की बात तो मैंने आप लोगों से छुपाई है, फिर आप क्यों माफी मांग रही हैं? और मैं आप दोनों को क्यों डसूंगी? तू नागिन है नागिन,
ना मुझे तुझसे कोई परेशानी है ना कोई शिकवा है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरे बेटे को एक नागिन के साथ नहीं रहने दे सकती हूँ। माँ जी, मैं नागिन जरूर हूँ, लेकिन ज्यादा समय तक मैं नागिन रहने वाली नहीं हूँ। और ये नागिन रूप मुझे किसी ने दिया है। किसी ने दिया है? क्या मतलब? क्या मतलब बहू, तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता। एक दिन संजना अपनी सहेली के घर जा रही थी, तभी संजना की नजर एक घायल औरत मंजुला पर पड़ती है, जो सुनसान सड़क पर घायल हालत में एक तरफ पड़ी थी। संजना उसे देखकर उसके पास जाती है। आपको इतनी चोटी कैसे लगी? आप यहाँ अकेले क्यों हैं? आपको जाना कहाँ है बताइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ वहाँ। या फिर चलिए पहले मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, आपको दवाई करवा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, अब मेरा। ये आप क्या बोले जा रही हैं? आपको कोई बीमारी हो गई है क्या जिसका इलाज नहीं है? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शहर में बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो आपका इलाज कर सकते हैं। नहीं बेटा, तू भली लग रही है, तभी मैं तुझे बता रही हूँ, मैं कोई आम इंसान की तरह नहीं हूँ। क्या मतलब है आपका, अब इंसान नहीं हो? मेरा यही मतलब है कि मैं एक नागिन हूँ और मुझे श्राप मिला है। कैसा श्राप मिला है, आप मुझे पूरी बात बताइए। अगर मैं आपकी किसी भी तरह से कोई मदद कर पाऊंगी तो मैं जरूर करूंगी। बेटा, मैंने एक साधु का अपमान किया था और उन्होंने ही मुझे श्राप दिया है। आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको श्राप से कैसे मुक्त करवा सकती हूँ, कोई तो उपाय होगा ना इसका? मुझे उन्होंने बताया था जब मैं अपनी जिंदगी के अंतिम चरण में आऊंगी तो मुझे बहुत दर्द होगा, मैं तड़प तड़प के मरूंगी, यहाँ तक कि कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था तो उन्होंने बताया था कि अगर मुझे माफी चाहिए तो कोई ऐसा इंसान जो मेरी शक्तियों को अपनाए और नागमणि को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके, कोई मेरी मदद करेगा तभी मेरी जिंदगी सरल होगी। वो इंसान कौन होगा मुझे बताइए, मैं उस इंसान को लेकर आऊंगी। बेटी, मेरी ऐसी हालत देखकर केवल तू ही मदद के लिए आई है, मैं इतने समय से भटक रही हूँ, मेरे लिए ये काम तू ही कर सकती है। क्या मैं करूँ, लेकिन मैं कैसे, मेरे पास तो कोई शक्तियाँ भी नहीं है। मेरी शक्तियों को तू अपनाएगी और दुनिया की नजरों से बचाकर भी रखेगी ये राज। माँ जी, मैंने उनकी मदद के लिए ही ये नागिन रूप अपनाया है। बहू, तूने बस किसी अनजान की मदद के लिए तूने इतना बड़ा कदम उठाया। माँ जी, वो मंजुला माई इतनी परेशानी में थी, अगर मैं भी उन्हें ऐसे ही छोड़ देती तो मुझे अपने इंसान होने पर शर्माती। बहू, तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे गर्व है अपनी नागिन बहू पर। लेकिन बहू, नागमणि को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है ना तूने? नहीं माँ जी, पूरन मासी की रात में ही ये काम हो सकता है। संजना की सच्चाई सबके सामने आती है और उषा को अपनी बहू पर बहुत गर्व होता है। कोकिला की बहू मारिया अंग्रेजन थी, उसके लाइफस्टाइल में और कोकिला के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क था, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी, आए दिन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती। ना कोकिला अपनी बहू को समझने के लिए तैयार थी और ना ही मारिया अपनी सास को। दोनों के बीच में अंकित पिस रहा था, जो कि ना तो अपनी माँ कोकिला की तरफ से कुछ बोल सकता था और ना ही अपनी पत्नी मारिया की तरफ से। एक दिन सुबह के समय कोकिला रसोई में आती है और मारिया को नाइट सूट में रसोई में पानी गर्म करते देखकर बोलती है, हे राम रे, क्या कर दिया तूने बहू, जब से इस घर में आई है मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, पता नहीं मेरे बेटे के सर पर कौन सा जादू टोना किया है तूने, कि विदेश नौकरी करने गया और ले आया वहाँ से अंग्रेजन को मेरी बहू बनाकर। जादू टोना क्या होता है सासू मॉम, हमको तो ये सब नहीं आता है, क्या आप हमको ऐसा करना सिखाएंगी? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझे ये सब करना सिखाऊंगी? तो ये सब बातें छोड़ और पहले मेरी रसोई से बाहर निकल तू। सोकर उठते ही मेरी साफ सुथरी रसोई में आ धमकी, वो भी बिना नहाए धोए। सासू मॉम, आप सुबह सुबह ना योग किया खींचिए, आपको गुस्सा कम आएगा। और हम किचन से क्यों जाएगी, हम तो यहाँ पानी गर्म करने आई है, हमें सुबह सुबह गर्म पानी पीने का आदत है। कोकिला अपनी अंग्रेजन बहू को बिना नहाए धोए रसोई में आने के चलते सुना ही रही थी कि तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर जाती है और वो उसे चप्पल पहने हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है, मेरी पवित्र रसोई को अपवित्र कर दिया तूने, तो बिना नहाए धोए रसोई में चली आई थी, वो कम था क्या जो चप्पल भी पहन कर आ गई? क्या करूँ मैं अपनी इस अंग्रेजन बहू का भगवान। सासू मॉम, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो,
हमने ऐसा क्या कर दी है जो आपको गुस्से से लाल हो गई? कोल्ड ड्रिंक निकालो फ्रिज से, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगी। मुझे यहाँ गुस्सा आ रहा है और तुझे मजाक लग रहा है। एक बात बता, तेरे विदेश में सब ऐसे ही चप्पल पहन कर रसोई में काम करते हैं क्या? हाँ सासू मम, वो हमारे यहाँ सब ऐसे ही काम करती है, स्लीपर डालकर। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि हमारे घर यहाँ रसोई में भगवान का वास होता है और हम बिना नहाए धोए या चप्पल पहनकर नहीं आते हैं, समझी? कोकिला इतना कहकर अपनी अंग्रेजन बहू का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर धक्का मार देती है और मारिया जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसका पति अंकित वहाँ आकर उसे संभाल लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आपका ये क्या तरीका है घर की बहू से बात करने का? अरे जिस तरह से आपने उसे धक्का मारा, उसे कहीं चोट लग जाती तो? लग जाती तो मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसे मेरी बहू कह रहा है उसके अंदर बहू वाले कोई लक्षण ही नहीं है। न कपड़े पहनने का कोई तरीका है, न ही बात करने की तमीज, न ही हिंदू रीति रिवाज का कोई ज्ञान। अंकित बेबी, योर मदर इज वेरी रूड। आई थिंक वी शुड गो बैक टू लंदन। आई कांट स्टे हियर, सॉरी। अंकित, तेरी अंग्रेजन बीवी क्या गिटपिट कर रही है अंग्रेजी में? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जल्दी बता क्या बोल रही है ये, पक्का मेरी बुराई ही कर रही होगी। नहीं माँ, ये आपकी बुराई नहीं कर रही थी। जो बोल रही है वो मुझे ही बोल रही है, आपको नहीं। प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे आपस में लड़ाई करना बंद करिए। और माँ मैं मानता हूँ कि आपकी बहू अंग्रेजन है, अरे लेकिन ये दिल से बहुत अच्छी है, एक बार आप इसे समझने की कोशिश तो करिए। मुझे कुछ नहीं समझना है, किसी को भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मेरे नसीब में अच्छी बहू का सुख है ही नहीं। कोकिला इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है लेकिन कोकिला अपनी अंग्रेजन बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। तभी एक दिन वो मार्केट से लौट रही थी और तभी उसकी पड़ोसन विनीता उसे रोकते हुए कहती है, कोकिला हम कब से तेरी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की दावत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तू है कि दावत का नाम तक नहीं ले रही है। तू अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई करेगी भी या नहीं? हम सभी लोग ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि एक अंग्रेजन बहू अपनी पहली रसोई में क्या बनाएगी। काहे की पहली रसोई विनीता, पहली रसोई की रस्म तो जब होगी ना जब मेरी अंग्रेजन बहू को कुछ बनाना आता होगा। लेकिन वो अंग्रेजन क्या जाने हमारे यहाँ के रीति रिवाज, बहू के मामले में तो मेरी किस्मत ही खराब है। कोकिला ऐसा क्यों बोलती है? अब जो भी है जैसी भी है तो तेरी बहू ना। अगर उसे नहीं आता तो सिखाने की कोशिश कर, देखने से तेरी बहू मुझे घमंडी नहीं लगती है। विनीता, दूर के ढोल सबको ही सुहाने लगते हैं, जब उन्हें खुद बजाना पड़े तब पता चले। कोकिला और विनीता की सारी बातें घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी अंग्रेजन बहू सुन रही थी, जिसे सुनकर वो अपने मन में कहती है, सासु मॉम का दिल जीतने का ये अच्छा तरीका है। अगर हम हिंदुस्तानी स्टाइल में सारा खाना बनाकर अपनी ये पहली रसोई का रस्म पूरा कर ले तो शायद सासू मॉम हमें पसंद कर लेगी। मारिया इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से अपनी सास की पसंद की इंडियन फूड के बारे में पूछती है, जिस पर अंकित उसे अपनी माँ की सारी मनपसंद चीज बताता है, जिसके बाद मारिया सभी इंडियन खाने की रेसिपी यूट्यूब से देखने और बनाने की प्रैक्टिस करना शुरू करती है। समय बीतता है, तभी एक दिन वो हॉल में बैठी थी और तभी उसकी पड़ोस की सभी औरतें वहाँ आती है, जिन्हें देखकर कोकिला दंग रह जाती है और कहती है, अरे अरे कहाँ चल रही हो, सभी के सभी मेरे घर पर, यहाँ कोई भंडारा लगा हुआ है? भंडारा लगा नहीं है, लगने वाला है। हम यहाँ तेरी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की दावत में आए हैं। ये पहली रसोई ऐसी होगी जिसमें हमें सास ने नहीं बल्कि बहू ने बुलाया है। ये तो क्या बोल रही है, मेरे घर में मेरी बहू की पहली रसोई की दावत है और मुझे ही नहीं पता? बहू को तो मैं बताती हूँ। तुझे जो करना है कर, लेकिन हम तो दावत खाकर ही जाएंगे। खाकर तो जब जाएगी ना, जब तुझे कुछ खाने को मिलेगा। मेरी बहू को कुछ बनाना आता ही नहीं है, मैं बोल रही हूँ तुझे। कोकिला अपने पड़ोसनों के सामने अपनी अंग्रेजन बहू की बुराई ही कर रही होती है, तभी मारिया साड़ी पहनकर वहाँ आती है और कहती है, खाना तैयार है सासू मॉम, चलिए सबके साथ मिलकर आप ही अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई का खाना खाइए। ये क्या, आज तूने साड़ी भी पहनी है? लेकिन बहू, तूने इंडियन बहू की तरह साड़ी तो पहन ली, लेकिन इंडियन खाना कैसे बनाएगी? सासू मॉम, मुझे जो भी बनाना आता था मैंने बना दिया। एक बार आप खाकर तो बताओ कैसा बना है।
मारिया के बार बार कहने पर कोकिला सभी पड़ोस की औरतों के साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है और डाइनिंग टेबल पर सारे डिशेस इंडियन और अपनी पसंद की देखकर वो दंग रह जाती है। कुछ देर बाद मारिया सब के लिए खाना लगाती है। खाना खाते ही सब लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। खाना खाने के बाद कोकिला का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। तभी मारिया कहती है, सासू मॉम, ये सब खाना हमने आपके पीछे से ही पूछकर बनाई है। अगर कोई खमी रह गई हो तो माफ करिएगा, आगे से हम ध्यान रखेगी। हमने ये सब बस इसलिए किया था कि आप हमको पसंद करें। हमारी लड़ाई की वजह से अंकित परेशान रहती है तो हमको अच्छा नहीं लगता। कोकिला, अब तू क्या सोच रही है? जिस लड़की को ठीक से हिंदी भी नहीं बोलने आती, उस लड़की ने तेरे लिए इतनी जल्दी इंडियन खाना बनाना सीख लिया। तुझे और क्या चाहिए? धीरे धीरे ये बिल्कुल वैसी बन जाएगी जैसी तू चाहती है। अब तू जल्दी से इसे नेक देकर अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की रस्म पूरी कर। तो सही कह रही है विनीता, मुझसे ही अपनी बहू को समझने में भूल हो गई। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। हो सके तो अपनी सासू मॉम को माफ कर दियो। कोकिला इतना कहकर अपनी बहू को गले से लगा लेती है, साथ ही अपने हाथों से सोने के कंगन उतार कर अपनी बहू को उसकी पहली रसोई के नेक में देती है और उसके साथ खुशी से रहने लगती है। मंजली एक बेबाक लड़की थी जो कि किसी की मर्जी के हिसाब से जीना पसंद नहीं करती थी। उसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जीना पसंद था। वो कभी भी घर पर आती और कभी भी घर से बाहर जाती। उसके आसपास के सभी लड़कों से जान पहचान थी और ये सब बातें उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और एक दिन पायल कहती है, अरे मंजली, ये सब क्या है? तू इतनी देर रात बाहर क्यों रहती है? मैं तुझसे कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू रात भर बाहर रहे और लड़कों के साथ घूमे। थोड़ा हमारी इज्जत का भी ख्याल कर लिया कर। क्या प्रॉब्लम है माँ आपको मेरे घर से बाहर रहने से? अरे बहुत प्रॉब्लम है, जब तू इतनी देर रात घर किसी न किसी लड़के के साथ आती है तो सुबह में आस पड़ोस की औरतें मुझे ताना मारते हुए कहती हैं कि तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे ज्यादा छूट दे दी है। अरे तो आपको बाकी लोगों से क्या लेना देना, मैं आपकी अपनी हूँ या वो लोग, और वैसे भी वो सभी लड़के मेरे दोस्त हैं। अरे रहना तो हमें इसी समाज में है ना। और ये बता, तेरे सारे लड़के ही की दोस्त हैं, लड़कियाँ क्यों नहीं है? और ऐसे कौन से दोस्त होते हैं जो रात में ही तुझे घर छोड़कर जाते हैं? और हर रात एक नया लड़का ही क्यों आता है? अरे माँ, आप सब ये बकवास मत करो मेरे साथ। चलो मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर जाना है, बाय। देख बेटी, अब भी वक्त है कि संभल जा, वरना मजबूरन ही मुझे तेरी शादी करवानी पड़ेगी। और जब वहाँ तेरी सास तुझे ये सब कहेगी तो तुझे पता चलेगा कि मैं क्यों तुझे समझाती हूँ रोज। अरे माँ, तब की तब देखेंगे, आप इतनी चिंता मत करो मेरी, अभी मुझे बाहर जाना है, बाय। इतना कहकर मंजली घर से अपनी माँ की बात बिना सुने ही निकल जाती है और पायल मंजली की इन हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है। और अब इसका हल ढूंढने के लिए पायल मंजली की शादी करवाने की ठान लेती है। यूं ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन पायल मंजली से कहती है, सुन मंजली, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है जिससे तेरी शादी हो, लेकिन अगर मैं कल उसे और उसके घर वालों को बुलाती हूँ तो तू कुछ ना कुछ गड़बड़ कर उन्हें भगा देती है। इसलिए मैंने तेरी लड़के के साथ कल मीटिंग फिक्स कर दी है, तुझे उससे मिलने जाना है कल। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ हो। अरे माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, फिर ये सब क्यों? मैंने तुझे कह दिया ना, अब जैसा कहा है वैसा ही कर, समझी तू? मुझे कल कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अब मजबूरन मंजली को पायल की बात माननी पड़ती है। अगली सुबह मंजली की माँ उसे सूट सलवार में घर से बाहर डेट के लिए भेजती है, लेकिन मंजली भी कहाँ सुधरने वाली थी। वो भी बाहर किसी शॉप के वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल लेती है और छोटी सी ड्रेस पहनकर डेट पर चली जाती है, जहाँ उसे सागर नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही आकर्षित आवाज में कहती है, हेलो, आर यू सागर? यस, एंड यू मंजली? ओ प्लीज डोंट कॉल मी मंजली, कॉल मी मन, ओनली मन, ओके? अच्छा ठीक है मिस मन, आइए बैठिए। मंजली के कपड़े देखकर सागर को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो उससे पूछता है, क्या खाना चाहेंगी आप? जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं लगता यहाँ मिलेगा, मैं बहुत महंगा खाना खाती हूँ। आपके पास 50,000 के आसपास पैसे है ना? आप पैसों की चिंता मत करो, आप चाहे जो मर्जी मंगवा लो, आपको मिल जाएगा। आप बस ये बताइए कि आपको खाना क्या है।
अब मंचली बहुत महंगी महंगी चीजें ऑर्डर कर देती है और जब खाने की बात आती है तो खाना खराब है कहकर वहाँ से झगड़ा करने लगती है, जिसके बाद सागर उसे एक पार्क में लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे लड़के और लड़कियाँ थे, जहाँ पर कुछ लड़के मंचली को देखकर उस पर लाइन मारते हैं और ये देखकर मंचली उसके पास जाकर कहती है, हेलो बॉय, क्या आज रात तुम फ्री हो? अरे मैं तो रोज रात को फ्री रहता हूँ, बताओ आपको क्या काम है मुझसे? सोच रही थी आजकल मेरी रातें तन्हा बीत रही हैं, इसलिए सोचा कि किसी के साथ ये तन्हाई बांट लूं। अरे ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। ये सब बातें सागर सुनकर मंचली का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे किसी भी लड़के को अपने साथ रात में कहीं भी ले जाने के लिए क्यों कह रही हो तुम? अरे यार वो क्या है ना, जब तक मेरे साथ रात में कोई हो ना तो मेरी रातें नहीं निकलती, तभी मैंने सोचा उससे पूछ कर देखूं। अब तो ये पक्का शादी से मना कर देगा। अरे तो ऐसा कहना था ना, मैं किस लिए हूँ? देखो अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। अरे बाबा तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे हर रात दो दोस्तों की जरूरत होती है। मैं पूरी रात पार्टी करती हूँ और सुबह होने के बाद घर आती हूँ और दिन भर सोकर रात को फिर निकल जाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं शादी के लिए बनी हूँ, समझे? ठीक है, लेकिन एक बार मुझसे शादी करके देखो, फिर कभी तुम्हें दो लड़के की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी रात घर से बाहर रहती हूँ, पार्टी करती हूँ, कल को तुम्हारे घर वाले यही कहेंगे कि हमारा बेटा कैसी करेक्टरलेस बहू को घर ले आया है। वो सब मैं देख लूंगा, बस तुम ये बताओ कि तुम उससे शादी करोगी कि नहीं। अरे इतना क्या मरे जा रहे हो तुम उससे शादी करने के लिए? तुम्हारा ये बेबाक अंदाज, तुम्हारी सोच, लुक, रहने का तरीका, स्टाइल सब बहुत अट्रैक्टिव है। मंचली सागर की बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाती है, वो उसे शादी के लिए राजी हो जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद ही मंचली और सागर की शादी होती है, जिसके बाद अब ससुराल में भी मंचली की देर रात तक बाहर रहने की आदत थी। और एक दिन उसकी सास अपनी बहू को रोज रात घर में लेट आते हुए देख कर कहती है, बहू ये क्या हरकतें हैं, इतनी देर रात तक शरीफ घर की औरतों का घर से बाहर रहना अच्छा नहीं होता। अरे माँ जी ये अच्छी बुरी औरतें क्या होता है, आखिर हैं तो सब औरतें ही ना, और ये क्या लगा रखा है आपने, रात को यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। अरे मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ, आप क्यों टोकती है मुझे? अरे ये मेरा घर है, तू मेरी बहू है तो टोकने का भी तो मुझे ही हक है ना। आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो कहते हैं कि कामिनी की बहू तो कैरेक्टरलेस है, हर रात देर से घर आती है और लड़कों के साथ आती है। अरे माँ जी जब मेरे पति को मेरे बाहर रहने से दिक्कत नहीं है तो आप क्यों इतना उछल रही है? बस बहुत हो गया, अब से तू रात में कहीं नहीं जाएगी, मैं खुद रात में घर के गेट का ताला लगा कर सोया करूंगी। इतना कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है और फिर कामिनी मंचली को घर से बाहर कहीं जाने नहीं देती और अब सागर भी घर से काफी दिनों तक बाहर रहा करता, तो मंचली ने पास के लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। एक सुबह मंचली अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, तभी वहाँ सामने वाले घर में एक लड़का अपने घर की खिड़की पर खड़ा था और उसे देखकर मंचली इशारे करना शुरू करती है और सामने से लड़का भी उसे देखकर समझ जाता है और फिर मंचली उसे किसी न किसी बहाने से अपने घर में आने के इशारे करती। और ऐसा ही होता, कुछ ही देर में एक लड़का एक बॉल को अपनी खिड़की से मंचली की खिड़की में फेंकता है और उसे लेने के बहाने उसके घर आता है जहाँ पर उसकी सास कामिनी थी। आंटी जी वो मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो मेरी बॉल आपके घर के किसी कमरे में गिर गई, तो क्या मुझे वो बॉल मिल जाएगी? अच्छा रुक, मैं बहू से कहती हूँ बॉल लाने के लिए। बहू, ओ बहू कहाँ है तू? कामिनी मंचली को बहुत आवाज देती है पर वो नीचे नहीं आती और फिर कामिनी रोहित को ही ऊपर जाकर बॉल ले आने को कहती है, जिसके बाद रोहित ऊपर जाता है और मंचली के कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद भी जब रोहित नीचे नहीं आता तब कामिनी ऊपर जाकर रोहित को देखती है तो वो मंचली के कमरे में उसके साथ किस कर रहा था और ये देखकर कामिनी गुस्से से कहती है, बहू ये क्या हो रहा है? माँ जी आप यहाँ? हाँ मैं, ये सब यहाँ क्या हो रहा है और ये लड़का भी इसीलिए बॉल का बहाना करके आया था? अरे आंटी जी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो आपकी बहू ने यहाँ आने को कहा था, मुझे कुछ मत कहना, आपकी बहू कैरेक्टर लेस है, उसे कहो जो कहना है, मैं तो जा रहा हूँ। मुझे पहले तुझ पर बस शक था और जब मुझे सब आकर कहते थे कि तेरी ऐसी हरकतें हैं तो मैं उनकी बात नहीं मानती थी, लेकिन आज तेरी ये हरकतें देखकर सच में पता चल गया है कि तू एक कैरेक्टर लेस है। इतना कहकर कामिनी मंचली को घर से ही बाहर निकाल देती है।